और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। बता दें कि वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका निधन की खबर सामने आई है। बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निधन पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर दुख भी जताया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि बिहार में भाजपा के उत्थान और सफलताओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर भी उनकी समझ काफी गहरी थी। ये पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर दुख जताया है। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर निधन पर दुख जताया है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा के लिए ये बिहार में बहुत बड़ा नुकसान, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। बता दें कि वो कैंसर से काफी समय से पीड़ित चल रहे थे और लोकसभा चुनाव से भी उन्होंने किनारा कर लिया था। साथ ही आपको बता दें कि वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। साथ ही आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में ही रखा गया है। साथ ही एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उनके निधन पर सभी दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके दुख जताया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा के उत्थान और सफलताओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर भी उनकी समझ काफी गहरी थी। बिहार में हमेशा से ही बीजेपी के समर्थन में और बीजेपी के लिए तत्पर नेता रहने वाले सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में बीजेपी के लिए एक काफी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। बता दें कि भाजपा के उत्थान और सफलताओं में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है और हमेशा से एक तत्पर और अच्छे नेता की छवि उन्होंने कायम की है। और बीजेपी के लिए आज ये शोक की लहर है, क्योंकि लगातार वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनके निधन की खबर सामने आई। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज नेता, भाजपा के सभी कार्यकर्ता शोक की लहर में डूब गए और उसके बाद उनके निधन पर भी लगातार बड़े बड़े नेता एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दुख जता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में ही रखा गया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार बिहार की अगर बात करें तो एक तत्पर नेता के रूप में वो हमेशा बीजेपी के समर्थन में काम करते हुए नजर आए हैं और इस बार लोकसभा चुनाव से भी उन्होंने किनारा कर लिया था, क्योंकि काफी समय से वो कैंसर से पीड़ित चल रहे थे और उनकी तबीयत भी नासाज थी, जिसके बाद लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि वो अस्पताल में भी इलाज के लिए भर्ती थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। काफी समय से सुशील कुमार मोदी बीमार भी चल रहे थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ, उस समय उन्होंने चुनावों से अपना दरकिनार भी कर लिया था। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो कुछ समय से कैंसर से पीड़ित हैं और वो लोकसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगातार वो बीजेपी के समर्थन में जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही बता दें कि काफी समय से वो कैंसर से पीड़ित थे, जिसके बाद कल उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांसें ली।